हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये दो रेजिस्टेंस है, ये हमने पैरेलल लगाए हैं, दोनों का कॉमन यहाँ पे। सर्किट कैसे कनेक्ट, इसको क्या क्या रखते हो पहले देखते हैं। ये बैटरी, रेहोस्टेट, ये मीटर ब्रिज, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, जॉकी और दो नॉन रेजिस्टेंस। सर्किट करंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले बैटरी के नेगेटिव से शुरू करते हैं हम। ये बैटरी, बैटरी का नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल गया रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल को, और रियोस्टेट का वेरिएबल टर्मिनल सी पॉइंट को। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो बैटरी का नेगेटिव है सी पॉइंट को, ये इंटरनली कनेक्टेड है। ये राइट कैप और ये लेफ्ट कैप। राइट कैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, सेंटर में एक टर्मिनल गैल्वेनोमीटर को और दूसरा टर्मिनल जॉकी को, और लेफ्ट कैप में दो रेजिस्टेंस लगाए हैं पैरेलल में, और ए पॉइंट को बैटरी का पॉजिटिव। इसी तरह सर्किट कंप्लीट होता है। अभी टेस्ट कैसे करना है वो देखते हैं। उससे पहले हम बैटरी ऑन करते हैं। ये हमने ऑन की, अभी टेस्ट करते हैं जॉकी। जॉकी पहले ए पॉइंट को लगाते हैं, एक साइड जा रहा है। अभी बी पॉइंट को लगाते हैं, दूसरी साइड जा रहा है। सर्किट बराबर है। वेल्डिंग कैसे लेते हैं वो देखते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम देखा था तो बच्चे कैसे कहते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस फिक्स रखा था हमने 50, 100, 150। इस बार मैं अलग तरीके से बताऊंगा कैसे करना है। हमारा जो नल पॉइंट है वो नल पॉइंट यहाँ पे 50, ये 50 के आजू बाजू में आना चाहिए, ऐसा हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले मैंने हमने ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हैं। अभी रीडिंग लेके देखते हैं। पहले मैं रेजिस्टेंस बॉक्स में से सर्किट की टाइट करता हूँ। टाइट के अभी इसमें से मैं 20 ओम पहले निकालता हूँ। ये मैंने 20 ओम निकाला। 20 ओम निकालने के बाद में अभी जॉकी रखने पे रिफ्लेक्शन कहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रीडिंग मेरा 50 के आज बाजू में आ रहा है। तो ये रीडिंग कितना आता है वो मैं दिखता हूँ। पहले ये है मेरा 46, 54। अभी ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर वाला आएगा वो एलेक्स, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है तो
यहाँ से जो नीचे वाला आएगी वो एल आर, तो अभी हमारा रीडिंग आया था 46, 46 है एल एक्स और 54 है वो एल आर। ये हुआ फर्स्ट रीडिंग। अभी सेकेंड रीडिंग के लिए हम रेजिस्टेंस 5 बढ़ाते हैं, 25 करके देखते हैं कितना आता है। 25 किया, ये ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब 25 रीडिंग बराबर नहीं है। अभी मैं 15 करके देखता हूँ, 15 20 किया था अभी, ये 10, ये प्लस 5 15, 15 को देखते हैं कितना आता है। ये आया 53 47, अभी 15, अभी 17 देखते हैं बीच में, 10 प्लस 5 प्लस 2 17, 17 के लिए कितना आता है वो देखते हैं। ये 50.5, 49.5, इसी प्रकार एडजस्ट करना है कि हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 50 के आजू बाजू में आना चाहिए। इससे आर एल एक्स अपॉन एल आर अप्रॉक्स 1 हो जाता है, तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा आसान होता है। अभी हमने देखा था लेफ्ट गैप में हमने रखा था रेजिस्टेंस और राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स रखा था। अभी ये पोजीशन हम इंटरचेंज करके देखते हैं। ये हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लेफ्ट गैप में लगाया, रेजिस्टेंस राइट गैप में लगाए, सेम मिड पॉइंट को हमको सेंटर में एडजस्ट करने हैं। इसी प्रकार हम करेंगे, पहले हम 20 ओम निकाला, 20 ओम निकाला, 20 ओम के लिए देखते हैं कितना आता है। जॉकी में भी 50 पे रखता हूँ, फिर कहाँ पे आता है देखते हैं। ये 53.1, 46.9, अभी मैं यहाँ पे 17, 10, 5, 2, 17 निकाला, रीडिंग देखते हैं। ये आया 50.2, 49.8, अभी 15 को देखते हैं। ये मैंने 2 का लगाया, 10 5, 15 के लिए देखते हैं कितना आता है। अभी हम कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, अभी हम देखते हैं दूसरे का रेजिस्टेंस। ये है हमारा दूसरे रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस।